अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेटा आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रहा था अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, तो उससे पहले मुझे जो है अपना लर्निंग जो है लाइसेंस है वो बनवाना पड़ेगा। मेरा एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद 40 दिन या 42 दिन बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो जाके सबसे पहले जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसको रीन्यू करवाते हैं, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते होंगे वो मैं अभी आपको जाके बताता हूँ। सुबह के 8:30-9 बजे का टाइम है, टका के लाहौर में सर्दी पड़ी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इसकी वीडियो बना ली जाए, ताकि लोगों को भी जो अवेयरनेस है वो दी जाए कि जो लर्निंग लाइसेंस है या लाइसेंस बनाना वो उसका प्रोसीजर कैसे होता है। तो अब चलते हैं। और जो मेरे करीब है वो जो खिदमत मरकज़ पड़ता है और जो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है जहाँ से लाइसेंस बनता है, ट्रैफिक जो सेंटर है, तो वो है मीनार पाकिस्तान रावी रोड वाला यादगार के अंदर। पहले दूर होते थे, पहले आपको अरफा टावर या मनावा जाना पड़ता था, अब जो मीनार पाकिस्तान के करीब है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। मीनार पाकिस्तान के बाहर पार्किंग में भी वहाँ पे जो है ड्राइव टेस्ट होता है, वहाँ से भी लाइसेंस बनते हैं। तो अब चलते हैं और जाके जो सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो जो मीनार पाकिस्तान वाला जो सेंटर है जहाँ पे लाइसेंस बनता है, मैं वहाँ पहुँच सकूँ, मगर अभी कोई भी नहीं यहाँ पे आया हुआ है ट्राई के लिए। तो अभी सुबह का टाइम है 9 बजे और धुंध तक आके पड़ रही है, मगर मैं भी अभी ट्राई नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अभी जो अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाना है। लर्नर लाइसेंस होता है उसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपके पास आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और आपके पास जो उसकी 2 कॉपियाँ नहीं चाहिए और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आपका ताल्लुक मुल्तान से है तो आप लाहौर में आके नहीं बनवा सकते। अगर आपका ताल्लुक लाहौर से, आईडी कार्ड पे लाहौर लिखा फिर ही आपका लाहौर में बनेगा, तो जो शहर मेंशन है आपका उसी शहर से बनेगा अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक। और दूसरा, अगर आपकी एज जो है 50 साल से ज़्यादा है या आपको मेरी तरह ग्लासेस लगी हुई हैं, अगर तो आप ग्लासेस लगा के उतार के ड्राइव कर सकते हैं तो आपका फिर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। और मैंने वैसे ही क्योंकि ग्लासेस लगाई हुई थी तो उन्होंने कहा कि मेडिकल भी बना लेना, तो उतार के भी ट्राई दे सकता था, मगर मैंने जो है एक हमारे डॉक्टर होते हैं उनसे मैंने एहतियातन मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया। और एक जरूरी चीज जो आप लोगों को चाहिए, जो आप लोगों ने लेके आनी है, अगर हाल ही आपने मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाना है तो 60 रुपए वाली जो टिकट होती है ये किसी भी जो पोस्ट ऑफिस होता है, जो पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस होते हैं जगह जगह पे जहां पे भी मौजूद होते हैं, वैसे आपको यहां से भी मिल सकती, मगर कोशिश करें किसी भी पोस्ट ऑफिस से लेके आए। ये देखें 60 रुपए की जो है टिकट ये लेके आए। और अगर आपने कार और बाइक का गठा बनवाना है तो 2 टिकट लेके आए 120 रुपए की वाली, उस पर आपको जो लर्निंग लाइसेंस मिलेगा और आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो मेरा जो है वो बाइक का लाइसेंस ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे अब गाड़ी का बनाना है तो मुझे एक ही टिकट चाहिए। अब अंदर चलते हैं जल्दी से और सुबह सुबह जाके जो लर्निंग लाइसेंस है उसको जो है वो निकलवाते हैं, फिर देखते हैं जो सारा प्रोसेस होगा आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। और भाई इतनी फास्ट सर्विस यार, यकीन करें वो भी मेरा काम हो गया बगैर किसी रिश्वत, बगैर किसी सिफारिश के। वेल्डन खिदमत मरकज वालों ने वेल्डन बड़ा अच्छा काम किया, और 2 मिनट नहीं लगे मुझे। ये देखें मेरा ओरिजिनल आईडी कार्ड और जो लाइसेंस है वो मेरे पास था और वो दिखाया मैंने और एक टिकट लिया उन्होंने और मुझे जो ड्राइविंग मेरा लाइसेंस था वो इशू कर दिया। और क्या कहते हैं, अब मेरा जो है ड्राइविंग जो लर्निंग लाइसेंस है, लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, सर्दी की वजह से उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, इग्नोर कीजिएगा, जो मेरा लर्निंग लाइसेंस है वो बन चुका है। और अब जो है मैं इसी टाइम अगर ट्राई देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, मगर आज मैं करूँगा ट्राई नहीं दूंगा, आज मैं देखता हूँ लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ लोग यहाँ पे कैसे आगे जो है वो ट्राइज वगैरह देते हैं, और उसके बाद जो है मैं कल या परसों आगे ट्राई दूंगा। मगर अभी जो है मैं ट्राई जो है वो दे सकता हूँ, मगर मैं नहीं दे रहा। आप लोग अगर फ्रेश अपना जो लर्नर बनवाएंगे तो आप 40 या 42 दिन के बाद आ सकेंगे, क्योंकि मेरा जो है वो पहले भी 40 दिन पहले बना हुआ था, एक्सपायर हो गया हुआ था, तो अब मैंने निकलवाया और अब मैं फौरी भी ट्राई दे सकता हूँ, मगर अभी मैं नहीं दूंगा। तो ये सारा वो ट्रैक है जहाँ पर ट्राई होती है, तो अभी कोई भी नहीं आया हुआ, वेट करते हैं अगर कोई ट्राई देने आएगा और फिर वो देखते हैं। तो सिर्फ 60 रुपये मेरे लगे हैं, मैंने जो अपना लर्निंग लाइसेंस है वो बनवा ली। अगर गाड़ी का बाइक का इकट्ठा बनवाना है तो 120 रुपये का बनेगा। ये खिदमत मरकज़ है जी, ये देखिए मीनार पाकिस्तान, पीछे बादशाह मस्जिद, यहाँ पे आ जाएँ सुबह सुबह 9-10 बजे के करीब, यकीन जाने 5 मिनट में आपका जो है वो लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। ना यहाँ पर रश है कोई, ना यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है, सिर्फ 5 मिनट में आ गए आप यहाँ से जो है वो लर्निंग लाइसेंस आराम से हासिल कर सकते हैं। और ये वाली जो जगह है यहाँ पर आपकी ट्राई होगी, ये उनकी गाड़ी है कल्टस, कोशिश करें आप अपनी गाड़ी लें, इनकी जो गाड़ी है वो थोड़ी सी पुरानी कंडीशन में है, तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं और देखते हैं अगर कोई ट्राई देने आया हुआ तो उससे थोड़ा सीखने को मिलेगा। और आपने भी अगर ट्राई देनी हो तो यहाँ पे एक दिन पहले आके ऑब्जर्व करें लोग आगे कैसे ट्राई दे रहे हैं, उनका लाइसेंस कैसे बनता है। तो लर्निंग का जो अमल था वो हमारा पूरा हो चुका है,
तो मेरी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है, अगर आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ तो फौरन आज ही उठें या कल जाके लर्निंग पहले बनवाएं और उसके 40 दिन बाद यार लाइसेंस लाजमी होना है। बाइक का तो बड़ा आराम से बन जाता है, कोई खास ट्राई नहीं होती। गाड़ी का थोड़ा सा टफ होता है, वो भी इतना नहीं होता, बाइक का तो फौरन बन जाता है। बाकी मैंने अंदर कुछ पिक्चर्स बनाई हैं जिसपे सारे रेट मेंशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो वीडियो के लास्ट पे लगा दूंगा, ताकि किसी ने रीन्यू करवाना हो, किसी का गुम गया हो, उसकी कितनी फीस है, LTV HTV कैसे बनता है, वो सारी उसके ऊपर फीसेज लिखी हुई हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।